हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, से बात करेंगे यहाँ पे एक और नई वैकेंसी के बारे में। और ये वैकेंसी आपको यहाँ पे IGI एविएशन प्राइवेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है, जो कि एविएशन सेक्टर की एक कंपनी है। तो जो भी कैंडिडेट अगर एविएशन में अपने करियर बनाना चाहते हैं, एयरपोर्ट्स में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकल के आया है। और सीट्स भी इसमें ठीक ठाक आपको रखा गया है। तो बात करेंगे कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक आप बिना स्किप किए जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक आप जरूर दबा दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपको जो इसमें ऑनलाइन आवेदन का जो तिथि दिया गया है, वो आपको यहाँ पे 12 अप्रैल से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 21 जून तक आपको इसमें लास्ट डेट आपको दिया गया है। रिटर्न टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। तो जो भी रिटर्न टेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा बाद में। रिजल्ट जो है आपका 20 दिन में आपको रिजल्ट यहाँ भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो भी रिटर्न टेस्ट होगा उसके 20 दिन बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। IGI एविएशन सर्विसेज जो कंपनी है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो भी यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे आपको ग्राउंड हैंडलिंग का काम हो, या फिर रिटेल आउटलेट्स, फूड कोर्ट्स या कार्गो से रिलेटेड जो भी काम हो, या फिर कस्टमर सर्विस एजेंट से रिलेटेड जो भी काम हो, वो आपको यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड कराता है एयरपोर्ट्स पे। तो उसी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। और जो पोस्ट आपको इसमें दिया गया है, वो आपको यहाँ पे कस्टमर सर्विस एजेंट का आपको पोस्ट रहने वाला है। CSA का ये पोस्ट रहेगा आपका। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगा गया है, एलिजिबिलिटी मात्र आपको अगर आप 12th पास है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इससे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप ICOM किए हो, ISC किए हो, या फिर आप कुछ भी किए हो, 12th अगर पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो आपको मिलेगा, वो आपको यहाँ पे 25,000 से लेकर 30,000 तक आपको यहाँ पे 35,000 तक आपको पे किया जाएगा। तो ये सैलरी का अमाउंट आपको बताया गया है, जो कि 25,000 से आपको शुरू होने वाला है। 18 से 30 साल तक आपको इसमें एज लिमिट दिया गया है। 1,086 पोस्ट यानी कि 186 पोस्ट पर ये वैकेंसी आपको यहाँ पे रहने वाला है। इसमें जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरली देखा जाता है कि जो भी एयरलाइन से वैकेंसी निकाल कर आता है, उसमें एक्सपीरियंस या फिर कोई एविएशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको मांग दिया जाता है, जिससे काफ़ी सारे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें जो है किसी तरह का कोई एविएशन से रिलेटेड या फिर एयरलाइंस का सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांगा गया है। कोई डिप्लोमा आपको इसमें नहीं मांगा गया है। बिल्कुल जो फ्रेशर कैंडिडेट हो, आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बस जो इसमें 12th का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास यहाँ पे 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न टेस्ट जो आपका रहने वाला है, वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 नंबर का ये रिटर्न टेस्ट आपका रहने वाला है, जिसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 4 पार्ट में बटे होंगे। पहला जो होगा वो आपका जनरल अवेयरनेस होगा, दूसरा आपका एविएशन नॉलेज होगा, यानी कि एविएशन से रिलेटेड आपको इसमें पूछे जाएंगे, एयरलाइंस हुए, एयरपोर्ट्स हुए, या फिर जो भी आपको एविएशन से रिलेटेड जनरल नॉलेज है उससे आपको ये सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर का। दूसरा आपको जनरल नॉलेज होगा, और आपको यहाँ पे चौथा जो होगा आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग से मिला के आपके 25 नंबर के ये सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रहेंगे, 4 पार्ट में बटे रहेंगे आपके। 1.5 घंटा आपको इसके लिए सॉल्व करने के लिए समय दिया जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप टोटल प्रश्न आपके हो रहे हैं। इसमें जो दिया गया है कि 9 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपको मार्किंग नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना, विदाउट नेगेटिव मार्किंग है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इसमें फिल करना पड़ेगा, और उसमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको इसमें चूज करने के लिए बोला जाएगा। तो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें बाकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, मैंने आपको बताया दिया कि सबसे पहले आपको रिटर्न टेस्ट में आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है। उसके बाद से जो भी कैंडिडेट आपको रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाइंग करेंगे, उसके बाद से आपको यहाँ पे फर्दर अपीयर फॉर द पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू इन द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एट न्यू दिल्ली। तो आपको रिटर्न टेस्ट के बाद आपको यहाँ पे एक पर्सनल इंटरव्यू होगा आपको, जो कि आपको जिनका जो इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे आपको इंटरव्यू होने वाला था। पहले तो आप रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ये प्रोसेस आपका शुरू होगा। जो भी डेट और टाइमिंग है, वो आपको आगे जो कॉल लेटर जारी किए जाएंगे उसमें ये आपको मेंशन यहाँ पे। उसके बाद आपको रिटर्न टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे आपको जो भी परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। दोनों के आधार पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के लिए आगे जो है बुलाया जाएगा। और आगे जो भी आपका मेडिकल हो, या फिर आपका जो भी कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो सब चीज़ें आगे आपको यहाँ पर किया जाएगा।